हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन प्लस। आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि आज हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जो आज से 76 साल पहले हुई थी। कहते हैं आने वाले 31 अक्टूबर के दिन आसमान में पहली बार ब्लू मून नज़र आने वाला है। इसके बाद अब लोगों को वर्ष 2039 में ब्लू मून देखने को मिलेगा। बताया जाता है कि जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था तब पूरे विश्व में ब्लू मून एक साथ देखा गया था। अब पूरे 76 साल बाद ये घटना दोबारा होने जा रही है, तो आप इस ब्लू मून को देखना मत भूलिएगा। तो आइए अब हम जानते हैं आखिर ये ब्लू मून होता क्या है, और वो सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। कहते हैं ब्लू मून का अर्थ नीला चांद नहीं है, बल्कि एक ही महीने में दो पूर्णिमाएं होने पर दूसरी पूर्णिमा के फुल मून को ही ब्लू मून कहा जाता है। तो इस ब्लू मून को आप देखना मत भूलिएगा। ब्लू मून का खगोलीय परिघटना है जो एक सौर वर्ष में 12 चंद्र महीनों से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होती है, और इसको ब्लू मून का नाम दिया गया है। एक वर्ष में चार खगोलीय मौसम कुछ इस प्रकार होते हैं, और प्रत्येक भाग में लगभग 3 महीनों का होता है, और प्रत्येक भाग में सामान्यतः 3 ही पूर्णिमाएं होती है, किंतु प्रत्येक 2.7154 वर्ष में लगभग 2.5 या 3 साल में किसी एक भाग में 3 की बजाय 4 पूर्णिमाएं होती है। तो 4 पूर्णिमाएं वाले भाग को ही ब्लू मून वाला भाग माना जाता है। तो एक साल में 12 पूर्णिमाएं होती है, और ब्लू मून वाले में 13 पूर्णिमाएं होगी। सामने आ रही जानकारी के अनुसार ज़्यादातर ब्लू मून पीले और सफ़ेद दिखते हैं, लेकिन इस बार का ब्लू मून काफ़ी हटकर होगा। कहते हैं नासा के अनुसार वैसे कभी कभी नीला चांद दिखना सामान्य है, लेकिन इसके पीछे वजह कुछ अलग होती है। अक्सर वायुमंडलीय परिस्थितियों के चलते नीला नज़र आने लगता है। इसी तरह की घटना का एक उदाहरण साल 1883 में सामने आया था। उस दौरान ज्वालामुखी करकोटा फट गया था। इससे ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल हवा में घुल गई थी, इससे चांद नीला दिखाई देने लगा था। कहते हैं तभी से इसको ब्लू मून का नाम दिया गया था। विदेशों में इस दिन हेलोवीन नाम का एक इवेंट होता है, इसीलिए वहाँ इस ब्लू मून का आकर्षण कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो हेलोवीन हर साल अक्टूबर महीने की आखिरी तारीख यानी कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे मनाने के पीछे कई परंपराएं और रीति रिवाजें बताई जाती है। गैलिक परंपरा को मानने वाले लोग इस दिन को त्यौहार की तरह मनाते हैं। यह फसल के मौसम का आखिरी दिन होता है, और इसी दिन से सर्दियों की शुरुआत भी होती है। इसके साथ ही मान्यता है कि इस दिन मरे हुए लोगों की आत्माएं उठती है और धरती पर मौजूद जिंदा आत्माओं को परेशान करती है। ऐसे में उन बुरी आत्माओं का डर भगाने के लिए लोग भूत प्रेत जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इस ब्लू मून को उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, भारत, एशिया और यूरोप के लगभग सभी देशों में एक साथ देखा जा सकता है। अगर आप इंडिया में हैं तो इसे देखने का टाइम है 31 अक्टूबर 2021 की रात्रि 8:20 पर आप इस ब्लू मून को देख सकते हैं। अगर आप इस समय ब्लू मून को नहीं देख पाते हैं तो आपको 19 साल का इंतजार करना पड़ेगा, यानी अब आपको इसे देखने का दोबारा मौका 2039 में ही मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग से एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।